Sridharam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Istadale Krishnaya Krishnaya Tadbhaktaya Namo Namo Pancha Kalputarubhasa Kripasindubhaivacha Patitananga Pavanebho Vaishnavebho Namo Namo Vrindaye Tulasi Devaye Priyaye Kesavasacha Krishna Bhakti Prajadevi Satyavataye Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Dvaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bula Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Sarabhatam Mari Guru Pada Padma Nitlila Pravishnu Vishnu Pada Ashtodara Satasri Sri Sri Mad Bhakti Sri Rup Siddhanti Goswami Maharaj Charna Kamalami Anantagoti Sashtanga Dandavat Pranam Karta Tatpashat Mari Sikhya Guru Pada Padma Nidalila Prabhishnu Vishnu Pada Ashtodara Satasri Sri Sri Mad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj Charna Sarajana Radha Pushpanjali Arpanta Upasthit Vaishnava Vaishnavi Sabhi ka main jathaji guru pranam karta Hare Krishna Kisi bhakta ne Srila Prabhupada se prashna karte hain Vaishnava darshan re katha ki bhave pucha jave Abar prashna hai kada Vaishnava darshan re katha हमने एक वैष्णव का दर्शन किया है उसको हम कैसे समझेंगे वास्तव रूप में हमें कोई वैष्णव का दर्शन मिला है कैसे हम समझेंगे वैष्णव दर्शन कहते मानुष जत्तो बड़े पंडित बा मनीषी हो नाथ के न जहार चरित्र मूर्त वैष्णव दर्शन स्वरूप से रूप आचार्य शरणापन्न ना हुआ पर्यंत वैष्णव दर्शन कथा हृदयंगम करते पारे ना यहाँ पर कह रहे हैं वैष्णव दर्शन इतना आसान नहीं हम कहते ना हम गए वो साधु का दर्शन करते भी आए हमें साधु दर्शन हो गया हैं वैष्णव दर्शन हो गया प्रभुपाद कहते हैं कहते इतना आसान नहीं वैष्णव दर्शन करना इसलिए चैतन्य भागवत में बताए वैष्णव चिन्हित नारे देवेरे सत्य कहते वैष्णव लोग को देवता लोग भी समझ नहीं पाते हैं कहते मुई को न जान हरी अति मूढ़ मत वृंदावन दास ठाकुर कह रहे व्यास देव कह रहे कहते वैष्णव को तो वैष्णव को इतने उनका चरित्र निर्मल इतने महान होते हैं वैष्णव लोग कहते देवता लोग भी जिनको दर्शन नहीं कर पाते जिनको देवता लोग भी पहचान नहीं पाते कहते भैया मैं तो अत्यंत मूढ़ मत हैं मैं कैसे वैष्णव को मैं कैसे फिर वैष्णव दर्शन कर सकता हूँ पहचान सकता हूँ क्योंकि जो वैष्णव लोग हैं कि जो वैष्णव लोग हैं जैसे हमारे श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज कि जो वैष्णव लोग अपने आप को छुपाना नहीं चाहते हैं अपने आप को छुपाना चाहते हैं इसलिए श्री भगवेश्वर दास बाबाजी महाराज वो क्या करते थे पायखाना को अंदर में बैठ करके हरिनाम करते पायखाना को अंदर बोले क्यों दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध था सिद्ध बाबा है और जो बोलेंगे वो हो जाएगा लोग आग्रह में विरक्त करेंगे हम भजन करने नहीं देंगे इसलिए जहाँ पर पायखाना पुराना पायखाना कोई कहीं कर नहीं रहे हैं पुराना हो गया उसको पास में कोई नहीं जाते उसको अंदर में बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कहते उसको बीच में बैठ कर जोर जोर से हरिनाम कर देते बोले उनके हरिनाम में इतनी शक्ति थी इतने शक्ति थी कभी कभी पायखाना का जो ईट है ना वो ईट से भी कभी कभी आवाज निकलती थी हरे कृष्ण इतने उनकी भक्ति की श्रेष्ठता थी जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज वो क्या करते थे जो मछलियों का कांटा होता ना चार तरफ में मछलियों का कांटा को बिछवा देते थे और उसको बीच में बैठ कर हरिनाम करते थे बोले क्यों बोले लोग समझेंगे कि बाबा तो मछली खाने वाले
इसलिए मेरे पास में नहीं आएंगे और मेरे को ये तंग नहीं करेंगे, इसलिए मैं निश्चिंत होकर के भगवान की भक्ति में कर सकता हूँ। इसलिए शंकर जी कहाँ जाकर बैठते हैं? शंकर जी बर्फ के पास, बर्फ में। मेरे पास में कोई नहीं आए, मेरे को कोई तंग नहीं करे, मुझे भगवान की भक्ति में जो मस्ती है, भगवान की भक्ति में जो आनंद है, मुझे हमें डिस्टर्ब नहीं करे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो वैष्णव है, कहते मानुष जत्तो बड़ा पंडित बा मनीष होना के ना, कहते जितने बड़े तो विद्वान और जितने बड़े मनीष क्यों नहीं हो जाए, लेकिन वैष्णव को नहीं पहचान सकते। इसलिए बोले वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञना बुझे, वैष्णव का जो क्रिया मुद्रा है, बड़े बड़े विद्वान लोग भी जिनकी क्रिया मुद्रा को समझ नहीं पाते, वैष्णव का श्रेष्ठ जो चरित्र इतने पवित्र इतने निर्मल है। इसलिए कद जहार चरित्र मूर्त वैष्णव दर्शन स्वरूप सैरूप आचार्य रे शरणापन्न नाभ परिस्थित वैष्णव दर्शन तथा हृदय वर्ण, कद वैष्णव दर्शन कब होगा, वैष्णव को समझेंगे कैसे, सुन लो लिखने का जरूरत नहीं। इसलिए कैसे समझेंगे, कहते जब तक खुद वैष्णव नहीं हो जाते हैं ना, तब आप वैष्णव को पहचान नहीं सकते। इसलिए बताए न देव देव मर्चे, देवता का पूजा कब करो जब देवता बनो, उसी तरह कहते वैष्णव को पहचान वो कैसे, जब तक तुम वैष्णव नहीं बन सकते हो वैष्णव को नहीं पहचान सकते हो। जैसे एक ने PhD किया, जो PhD की है भैया, जो PhD किया, एक व्यक्ति जो PhD किया होगा पर उसकी मर्मों को वो समझ सकता है, अभी PhD करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए कहते न देव देव मर्चे, जब तक स्वयं देवता नहीं बनते हो तब तक देवता की पूजा नहीं कर सकते। इसलिए कहते जो वैष्णव को कैसे वैष्णव दर्शन होगा, वैष्णव दर्शन तभी होगा जहार चरित्र मूर्त वैष्णव स्वरूप। अगर हमें कोई अगर श्रेष्ठ वैष्णव का सचमुच से जिनका चरित्र ही मूर्तमान वैष्णव का स्वरूप जिनका चरित्र है, जिसको श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ख्याति अभ्यर्थ कालत्वम विरक्ति मान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले, कहते इत्या भावांकुर, भाव की अंकुर होने पर कहते उनके अंदर में सब नौ लक्षण उनके अंदर में दिखाई पड़े। हम कहते ना अरे परम वैष्णव, अरे ये महान साधु, कहते रूप गोस्वामी ने जो उनने डेफिनेशन दिया, अगर इसको साथ में वो मिलता जुलता हो तो कहते हम साधु कह सकते। कोई बेस पहन लिया, बड़े बड़े लेक्चर दे रहा है, हम लोग बड़े बड़े साधु लेक्चर तो याद करके कोई लेक्चर दे सकते, लेकिन नियम है सचमुच से ही अपना जीवन में ये चीज को कितने उतार रहे, ये चीज मेन मुझे कितने भक्ति को जीवन में उतार रहे, बड़े बड़े शास्त्र। इसलिए बोले स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, इसलिए तटस्थ लक्षण होता मतलब बाहर का लक्षण है, बाहर का लक्षण है। इसलिए जो स्वरूप लक्षण उनका क्या है, कृष्ण जी का शरणम, ये लक्षण होनी चाहिए एकांत। और तटस्थ लक्षण जो कृपालु अकृतद्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान, ये सब एक साधारण दुनिया के एक व्यक्ति के अंदर में भी ये चीज दिखाई पड़ता है, साधारण व्यक्ति के अंदर में भी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु, सबको बराबर देखना साधारण व्यक्ति में भी दिखता है, लेकिन जो कृष्ण के शरण जो एकांत के रूप में और कृष्ण शरण ये उनकी स्वरूप उनकी सही लक्षण वही अनंत भाव भक्ति पूर्वक ये मिला, जो मेरे को अनन्य रूप में भक्ति करते हैं। और उनका जो भावांकुर का जो लक्षण बताया शांति, शांति मतलब ले खोब का विषय उपस्थित होने पर भी, दुख का विषय उपस्थित होने पर भी जो कभी दुखी नहीं होते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर 22 बजर में पिटाई हो रहा है, लेकिन जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जितने पिटाई वाला उतने जोर जोर से हरि नाम करे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं संसार का थोड़ी सी देखना, भजन भक्ति तो करते हैं, संसार का कोई दुख कष्ट आ जाए ना, माला फाला तो एक तरफ में रह जाता है, दिमाग में सारा दिन हमारे ऊपर ये विपत्ति पड़ी, ये विपत्ति कैसे दूर होना चाहिए, कैसे ये विपत्ति से दूर होगा, कैसे हम तो पागल हो जाते हैं, उससे माला फाला भक्ति भक्ति हमारे एक तरफ में चले। लेकिन उसका दर में उनका भक्ति उदय होगी, है भक्ति उदय होगी, जीवन में जितने बड़े दुख का विषय आने पर भी, इसलिए उनका नाम युधिष्ठिर, क्या नाम है युधिष्ठिर, मतलब क्या है अत्यंत युद्ध अवस्था में भी स्थिर, जिनका बुद्धि स्थिर है युद्ध अवस्था में भी, जैसे युद्ध अवस्था में क्या होता है मरना और मारना, और इसके सिवाय कुछ नहीं दिखता चाहिए, मर जाओ जिस दुष्ट को मार डालो, लेकिन उसी अवस्था में भी जिनका बुद्धि स्थिर रहता है तभी उनका बुद्धि का विचलित नहीं होता, क्यों भगवत करना पड़ना है तो तब भी स्थिर हो सकता है, ये बोलने से नहीं होता है, बोलने से नहीं, हम भी ऐसे करेंगे जब कोई युद्ध होगा तो युद्ध बताएगा हम भी ऐसे, जितने आपके अंदर में भगवत शरणागति होगा उतना ही आप स्थिर हो सकते हैं, अब जोर जबरदस्ती आप स्थिर नहीं कर सकते, ये जोर जबरदस्त चीज नहीं, जैसे देखो द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रही है, दुशासन भरी सभा में अस्त्र पकड़ कर खींच रहा है, इधर अर्जुन का भाव फड़फड़ा रहा है, भीम का गदा लेकर खड़े हो गए मार, लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं, अरे देखो तो सही आगे तो देखो क्या होता है, क्यों उनको पूर्ण विश्वास है कृष्ण द्रौपदी को अपना सखी कहते हैं, द्रौपदी कृष्ण भक्त है, कृष्ण कभी ये काम होने नहीं दे, उनको पूर्ण विश्वास है, अरे का भाव फड़फड़ा रहा है क्रोध मारे, तो देखो तो अंतिम परिचय देखो क्या होता है, उनको पूर्ण विश्वास है कृष्ण अवश्य रखे हुए, कृष्ण विश्वास पालना भगवान हमें अवश्य रक्षा करेंगे, अभी किसको विश्वास होगा कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, हम तो कहते अगर घर पर छोड़ दिया मंदिर में क्या कोई देखेगा, देखेगा साधु कोई देखेगा, अगर कोई नहीं देखेगा तो हमारे घर में जाएंगे तो मेरी बहन ही देखेगी, मेरे पिता माता देखेंगे, मेरे भाई बंधु देखेंगे ही देखेंगे, मंदिर में सब छोड़ छाड़ कर आ जाएंगे भगवान के शरण में, हम भी देखेंगे, इसका मतलब क्या, मतलब हमारे भक्ति भक्ति जो है हमारे भगवान के ऊपर तो विश्वास नहीं है, लेकिन कहते नहीं रक्षी सती इति विश्वास, जिनको पूर्ण विश्वास होता है भगवान के ऊपर, भगवान जरूर विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगा, लेकिन हम ठाकुर जी की शरण में हैं हमारी कुछ बिगड़ने वाली, अरे विश्व ब्रह्मांड प्रलय हो जाएगी हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्ति करते हैं भगवान की शरण में आते हैं, भगवान बोले तो उसका बाल भी पंखा होने में नहीं देता है, उसका भी बाल भी पंखा होने नहीं देता, जैसे अम्बरीश महाराज उन्होंने किर त्याग छोड़े लेकिन इधर उधर गए, रात जाकर आके साइया मार सके ना कोई बाल न बांका कर सके, जो जगह जिसको ब्रह्मांड बैरी होने पर भी विराज नहीं करते, विश्वास है, लेकिन दुर्वासा जी ब्रह्म लोग भी शिव लोग भी वैकुंठ लोग तो चले गए, लेकिन तब भी उनको खैर नहीं मिली, इनकी शरण में आना, मतलब भक्तों का भक्ति में इतने शक्ति है, लेकिन विश्वास कब होगा, भजन करेंगे तो विश्वास होगा, बोलने से नहीं होता, बोलने से नहीं, अभी कितने हम निष्कपट होकर के भगवान का नाम ले रहे हैं हरिनाम कर रहे हैं, उसको पर निर्भर करता है, बोलने से नहीं होता है, तुम्हारी शरणागतों पर निर्भर करेगा है, शरणागतों के ऊपर भी हमारी निर्भर करता है, शरणागत नहीं होगा तो हाँ क्या होगा भविष्य में, हम कौन देखेगा कि नहीं देखेगा, इसलिए अभी से थोड़ा पैसा को सफा करके रखो, अगर कोई नहीं देखेगा ना पैसे से, वृंदावन में जितने साधु है ना वैसे जो साधु साधते ही नहीं, सब पैसे लेकर ध्यान नहीं करते, लास्ट में जाकर ध्यान नहीं कर पैसा, एक पैसा भी भगवान की सेवा में नहीं, एक भी पैसा करोड़ों करोड़ रुपया साधु लोग बैंक में लेकर के जमा करते हैं, सारे एक एक पैसा को भीग भीग अब करना बाकी बिहार के सामने एक एक पैसा के लिए पीछे पीछे भागते भागते एक एक पैसा को एक कट करेंगे और लेकर सारे बैंक में जमा करते रहेंगे, सारे एक एक पैसा को लास्ट में
भूत खाते हैं, कोई भगवत सेवा नहीं, आखिरी में खराब हो जाते हैं, आखिरी में व्यर्थ है वो पैसा, सारे जीरो हो जाते हैं पैसा, कहाँ एक पैसा तुमने, एक पैसा मांग मांग कर तुमने भिक्षा मांगी प्रणामी रूप में, हैं लोग पैसा किस लिए दिए, भगवान की सेवा के लिए, उसका भगवान की सेवा में लगा सकते थे, खुद तो लगाया नहीं भगवान की सेवा में, रख दिया तुमने सारे बैंक में रख दिया, तब पैसा गया सारे, सरकार खा लिया पैसा कहाँ कहाँ किधर उधर किसी चीज़ में, कभी कभी तो मैनेजर लोग सारे पैसा उठा ले गया सारे पैसा, नॉमिनी कोई बनता नहीं सारा पैसा, कोई नॉमिनी नहीं बनता, लास्ट में सब सारे पैसा बर्बाद हो जाते, ये सब अपराध है सब किसी पाप है सब पैसे, और उसको पाप भोगने के लिए उनको दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये सब पैसा जो पैसा दिए भिक्षा के लिए भगवत सेवा में दिए, तुमने भगवत सेवा में नहीं लगाया, भगवत सेवा नहीं लगा तो उसको डिपोजिट दिया, ठाकुर का सेवा पैसा पाप कौन भोग करेगा, तुम्हें भोग करना पड़ेगा, हाँ तुम्हें भोग करना पड़ेगा, इसलिए रक्षित करते इसी विश्वास तभी हमारे हृदय में भगवत पर जो भजन करेंगे, भजन नहीं करेंगे तो दुनियादारी बेटा क्या करेगा, बेटी ने क्या करेगा, भाई ने क्या करेगा, बंधु ने क्या करेगा, सारा दुनिया भक्त भगवान ने क्या नहीं करेगा, क्यों भजन है ही नहीं, भजन करते नहीं, भजन करेंगे तो विश्वास होता ना, भजन किए बगैर कहाँ विश्वास हो जाएगी, हैं विश्वास कहाँ हो जाएगी, इसलिए देखो ये भागवत का श्लोक है, कहते अन्ना आसीन मरणम, इस श्लोक याद कर लेना, कर तो भगवान पर विश्वास नहीं तो हमारे पैसा के प्रति, नहीं तो अपना बीवी बच्चे दुनिया हमारा विश्वास हो, ये श्लोक भी याद कर लेना, इसलिए अन्ना आसीन मरणम बिना धन्यन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणम कथे स्मृत, हमारे जो गुरुदेव प्राय करके श्लोक कथस्थित गुरुदेव ये श्लोक बोलते थे, देखो मतलब अन्ना आसीन मरणम मतलब बिना दुख कष्ट पा करके मरना, अन्ना ऐसा न मरना, अब देना कोई कोई लोग बिस्तरा को साल साल पड़े उसमें टाटी उसमें पेशाब कर रहे, परिवार उसको कब बूढ़ा मरेगा, बूढ़ी कब मरेगी, मर नहीं रही हैं, मर नहीं रहे, उनका मृत्यु को चिंता करते हैं, मृत्यु को चिंता करते हैं, लेकिन यहाँ कहते हैं अन्ना आसे न मरनम मतलब अन्ना आसे में मृत्यु, मतलब बिना दैनन जीवन मतलब बिना दुख कष्ट के ये जीवन बीतना, बिना दुख कष्ट के ये जीवन बीतना कब होगा, बोले अनाराध्य तो गोविंद चरणम कथम स्याद, जब तक तुम भगवान की भजन नहीं करोगे कहाँ तुम्हारे अनायास जीवन जाएगी, अनायास जीवन भरोगे कैसे, तभी होगा जब गोविंद भजनम, अगर हम गोविंद की भक्ति अगर तय किए होंगे तो तभी ये जीवन अनायास में बीतेगा, और अनायास में तभी मृत्यु होगी, मृत्यु नहीं होगी, लास्ट में देखने के लिए कोई नहीं रहेगी, थुत्कार थे सबके सब, थुत्कार थे लास्ट में हैं, थुत्कार के सबके सब, इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी ये चीज, देखो हमारे जितने गुरुवर्गों को देखो, हम देखा था भक्त नारायण गोस्वामी में लोग उनकी सेवा करने में लाइन में लग गई, सेवा नहीं मिल रहा, अंदर में घुसने नहीं देते, सब बोल रहे थे हम सेवा करेंगे, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, बहुत भीड़ लगी, नंबर नहीं आया हैं, नंबर नहीं आया सेवा करने के लिए, मेरे जो गुरुदेव थे हम 24 घंटा में 24 घंटा ब्रह्मचारी दो घंटा गुरु जी की सेवा के लिए हर समय गुरु जी के पास में हम लोगों ने हर समय रहे, अभी भक्ति बोलो तीर्थ गोस्वामी महाराज कितने उनकी सेवा की, भक्ति संत गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, हम सिद्धार्थ महाराज, माधव प्रिय प्रभु का जो सेवक लोग कितनी ने उनकी सेवा की, बेटा नहीं कर सकते प्रभु जी, बेटा बेटी कोई नहीं करेगा, पायखाना करेगा कब मरेगी आप पता नहीं, स्वतः स्वतः कब मरेगी, सेवा नहीं करते, छुटकार थे कौन को पायखाना खराब करेगा, कहते एक शिष्य गुरु जी के चरण में समर्पित होने पर वो गुरु जी को सेवा की महत्व समझते, साधु सेवा की, ये जितना अपना मान कर सेवा करेगा ना बच्चे इतना नहीं करेंगे, अब दुनिया सारे कहीं भी देख लो हैं, ओल्ड हाउस में रख देते हैं साल में एक बार जा करके बर्थडे पे थैंक यू बस, उसके बाद और कुछ नहीं, कहीं भी ओल्ड हाउस में जाओ पिता मतलब ओल्ड हाउस में रखे हुए, कौन सेवा किया कौन क्या, कोई बाहर खिला रहे कर रहे, और साल में एक बार बर्थडे में चले जाएंगे बस, कोई गिफ्ट गए, ये यही होता है, लेकिन जब हम
भगवान की शुद्ध होकर के निष्कपट होकर के हृदय से उनके भजन करके ना विश्वनाथ चौटाल उसको कहते विश्वनाथ चौटाल टीका में कि जब एक भक्त सारा जीवन भगवान की सेवा करता है सारा जीवन गुरु वैष्णव सेवा भगवान की सेवा की लेकिन जो भगवान की सेवा नहीं कर पाएगा वृद्ध हो जाएगा उसको सेवा कौन करेगा मतलब भक्त भक्तिमान भगवान को सेवा करना पड़ता है भक्तों भगवान स्वयं इसकी सेवा करते बोले क्यों तो जिंदगी भर मेरे सेवा उसका सेवा कौन करेगा मुझे करना पड़ता है भगवान को करना पड़ता है लेकिन किसको करना पड़ेगा भक्ति करोगे कर अगर अपना बीवी बच्चे भाई बहनी जिसको तुमने भरसा रखोगे ये मरेंगे भगवान आएंगे तब भगवान आएंगे बोले जाओ वहीं पर रहो तुम वही तुम्हारी सेवा करेंगे हमारे तो सेवा किया नहीं हमारे ऊपर तुमने विश्वास नहीं किया हम सेवा कर दुनिया तुमने विश्वास किया ये हमें करे जाओ ना वहीं पर जाओ पड़े रहो वहीं पर भगवान देखेंगे नहीं तुम्हारी तब भी देखेंगे जब हम निष्कपट होकर उनकी भक्ति करेंगे उनकी सेवा करेंगे हमारी अरे विश्वास तभी होगा जब भजन तुम्हारे चलेगा अगर भजन तुम्हारी डमाडोल सा है भक्ति भक्ति तुम्हारा डमाडोल सा है तुम्हारे विश्वास आएगा नहीं अम्बरीश महाराज हाथ जोड़ कर खड़े हुए बोले क्यों विश्वास है मेरे को भगवान रक्षा करेंगे विश्वास है तब तो खड़े हैं ना दुर्वासा मारे मारे भाग रहे हैं मारे मारे भाग रहे हैं जब भगवान को पास में गए दुर्वासा जी बोले आप तो अपने आप को बड़े ब्रह्मर्षि समझते हो लेकिन जिस समय आप अम्बरीश को मारने के लिए प्रयास की अम्बरीश ने इधर उधर कहीं भाग रहा है वो तो हाथ जोड़ कर खड़े हैं हैं जाके राकेशाही मार सके ना कोई मेरे को अगर प्रभु जी अगर रक्षा करके दुनिया में कोई नहीं मार सकते हैं अगर प्रभु जी अगर कोई मेरे को रक्षा नहीं रक्षा करके दुनिया में कहीं भी मर सकता हैं लास्ट में उनकी चरण में शरणा दबा इसलिए भक्ति भक्ति होनी चाहिए भक्ति होगा तभी हमारी विश्वास होगा ठीक है ना इसलिए क्या करनी चाहिए बैठ करके एक जगह पर भगवान नाम भक्ति में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कलयुग भगवत नाम है जब हम भगवान के हरि नाम जप करेंगे एक जगह पर बैठ करके एक हृदय से बैठ कर हरि नाम करेंगे भगवान तथा भी बुद्धि जो है तब तब हृदय से बुद्धि प्रदान हृदय से वो हमें प्रेरणा देंगे तब भी विश्वास होगा अगर भजन तुम्हारी डामाडोल सा है भटकता हुआ भजन है बाहर जीवन जिंदगी भर भटकते रहेंगे जिंदगी भर हम भटकते रह जाएंगे इसलिए पहला लक्षण क्या शांति शांति मतलब क्या है अत्यंत खोब का विषय आने पर भी दुख आने पर भी लेकिन जो कभी दुखी नहीं होते हैं अकली बेब मत्र भूत्वा धिया मेव हरि स्मरे कद अलब्धे वा विनष्टे वा भक्ष्य अछादन साधने अलब्ध अगर कोई चीज मिला ही नहीं विनष्ट कोई चीज नष्ट हो गया है ये दोनों स्थिति में जिसका बुद्धि कभी विकृत नहीं होकर के हरि हरि में बुद्धिया स्मरे हर समय भगवान की भजन करते रहते हैं है? भगवान की भजन करते रहते हैं इसलिए ख्यांति बोले अपर्थ काल तुम जो कभी समय को कभी बर्बाद नहीं करते ऐसे नहीं बैठ कर गप्पे मार रहे इधर उधर का सारा दुनिया की बात कर रहे लेकिन भगवान की कोई चर्चा ही नहीं जिसमें कोई ठाकुर की चर्चा नहीं प्रभु की कोई चर्चा नहीं दुनिया बैठ करके खाए पिए उधर उधर की सारी दुनिया की बात हो रही नहीं जो भक्ति करते हैं वो कभी भी समय को अव्यर्थ रूप में बिना करने से बातचीत नहीं करते ये भी एक चीज है इसमें बिना करने से बोल रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं बात कर रहे हो नहीं भैया ये वाणी का महत्व है ये वाणी के हमारी महत्व है एक वाणी की तभी सार्थकता है जब ये जिह्वा से केवल भगवत संबंधी ही बात होती है ये चीज को ध्यान रखनी चाहिए इसलिए हर समय जो मुंह में आए बोले 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 क्यों क्या हमारे इतना समय आ गया जो कि हम दिन भर प्रभु का कथा छोड़ करके बिना कारण से भगवत भगवत को पागल ही करते रहे बोले अव्यर्थ काल तुम बोले विरक्ति विरक्ति मतलब जिस चीज में भगवत संबंधी कोई है नहीं उससे हमें अलग वो चीज हमें जिसमें भगवत संबंधी गुरु वैष्णव की सेवा हो उसी के साथ में ही केवल हम संबंध रखेंगे जिसमें
भगवत गुरु वैष्णव की कोई सेवा नहीं, उसमें कोई हम संबंध नहीं रखनी चाहिए। उसमें भी व्यक्ति मान सुनता मतलब कि बहुत बड़ी चीज है। मान सुनता मतलब है हमें दुनिया हमें इज्जत दे, सारा दुनिया हमें सम्मान करे, हैं नहीं। इनके हृदय में कभी भी ये इच्छा नहीं रहता है हमें कोई सम्मान करे, प्रतिष्ठा की भूखे नहीं रहते। लेकिन जो प्रतिष्ठा की भूखे नहीं रहते ना, जैसे माधवेंद्रपुरी, जगत क्या चाहता है, हमारी बाहवा करे, यही चाहते ना दुनिया, हमारी जय जयकार, हमारी बाहवा करे। लेकिन माधवेंद्रपुरी के लिए ठाकुर जी खेल चोरी किए, माधवेंद्रपुरी रातों रात भाग गए वहाँ से। बोले क्यों? बोले सवेरे होते ही सब दुनिया आएंगे। बोले कि ठाकुर जी ने खीर चोरी किया, बाबा रे सारा दुनिया उमड़ेंगे, हैं, और मेरे भजन में बाधा हो। लेकिन हम बद्ध जीव होने का ना था हमारे स्वभाव क्या, अरे हमारा कोई जय जयकार करे ना कर खुश हो जाते। तो थोड़ी सी अगर थोड़ी सी उल्टा उल्टा बोलती बोले हमें ऐसे बोला। लेकिन जो भक्त है भाग गए वहां से, क्योंकि सारा दुनिया चाहते हैं हमारे प्रतिष्ठा दे, दुनिया पूजा करे, लेकिन वो पूजा के डर से भाग गए, कहाँ चले गए, जगन्नाथपुरी। लेकिन कहते प्रतिष्ठा स्वभाव है जगत विदित, जे नाबाचे तार है विधाता निर्मित। ये प्रतिष्ठा ऐसे की चीज है जो नहीं मान, जो नहीं चाहते ना उसको भगवान देते। जगन्नाथपुरी पहुंचे, पहुंचने से पहले ठाकुर स्वप्न दे देते जगन्नाथ जी को, मेरा ब्रज से एक भक्त आ रहा है, हैं, एक ब्रज से मेरा भक्त आ रहा है, उनको चंदन की लकड़ी की व्यवस्था कर देना, वो मेरी सेवा के लिए ले जाएगा। बोले भैया, राजा बोले ऐसे कौन भक्त आ रहे हैं, जगन्नाथ मेरे को स्वप्न दिए। वो आने से पहले ना उनके लिए आरती की थाला लेकर के, उन लोग की माला लेकर के उनके लिए उन्हें रेडी है, उनको पूजा करने के लिए उनको रेडी है, हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कभी भी वो अपना प्रतिष्ठा नहीं चाहते जी, हैं। खातिर अभ्यर्थ काल तब विरक्ति मान शून्यता आशाबंध, आशाबंध ये सबसे बड़ी चीज। आशाबंध मतलब क्या बता, आशाबंध मतलब किसी से कोई आशा नहीं रखना, आशा किसी से कोई आशा नहीं करना। इसलिए आशाबंध, आशाबंध मतलब होता है भगवान हमें मिलेंगे, इनके अंदर में पूर्ण विश्वास रहता है, हैं? उनका अंदर पूर्ण विश्वास रहता है भगवान हमें एक दिन जरूर दर्शन देंगे, ये आशा उनके हृदय में रहता है। अगर भक्तों का हृदय भी आशा नहीं रहेगा तो भजन नहीं करेगा, बहुत बड़ी आशा। लेकिन यह होगा कैसे, तब श्री की जो लक्षण बता नहीं, भाव का लक्षण बता, जैसे एक फूल खिलने से पहले कड़ी आ जाती है, कड़ी आती है ना, उसको देखने से पता चल जाती है फूल आने वाले, बास में फल आने वाले, वो कड़ी को देखकर पता चल जाता है उसमें फल नहीं तो फूल आएगा है। उसी तरह ये जो अवस्था है उसको हृदय से पूर्ण विश्वास होता है भगवान हमें जरूर मिलेंगे ही, ठाकुर का प्राप्ति मेरे को जरूर होगा। लेकिन कब होगा, भक्ति जब करोगे ना तब तो भगवान अनुभूति देंगे, जब अनुभूति देंगे फिर तो क्या होगा, नहीं ठाकुर जरूर मेरे को प्राप्त होंगे। इसलिए आशाबंध और समुत्कंठा, समुत्कंठा का मतलब होता है उसके हृदय में हर समय उत्कंठा बनी रहती है, उसके हृदय में उत्कंठा बनी रहती है। क्या उत्कंठा बनी रहती है, भगवान जरूर मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, इसके हृदय में हर समय ये उत्कंठा बनी रहती है। ये जो उत्कंठा चीज है ना, ये भक्ति जगत का सबसे अनमोल वस्तु है। जब किसके हृदय में कोई उत्कंठा नहीं होगा फिर वो करेगा नहीं, वो करेगा नहीं, है। इसलिए अगर किसके हृदय में उत्कंठा बनी रहेगी तो क्या करेगा, सारे भक्ति का अंग बजा सकेगा, भगवान कब मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, हैं। इसलिए वो क्या करेगा, उसके लिए जो रास्ता है ना, जो प्रोसेस है उसको अपना जीवन में अपनाएगा। जैसे सवेरे उठ करके अपना नहा धो करके टाइम से अपना तिलक करना, गुरु मंत्र जप करना, अपना माला को करना, तुलसी परिक्रमा करना, स्तुति स्तव करना, ये सब चीज को है, ये जो भक्ति जो चीज को इसको सही सही रूप में उसमें जाते नहीं रहेगा, उसके हृदय में उत्कंठा रहेगा। अगर उत्कंठा नहीं रहेगा तो सो रहे तो सो रहे, 8-9-10 बजे तो कोई बात नहीं। इसका मतलब यह है उसके हृदय में उत्कंठा नहीं, भगवत प्राप्ति में उत्कंठा नहीं।
अगर खुद करना रहेगा तो उसके लिए साधन करेगा, उसके लिए साधन करना पड़ेगा ना, भगवान कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे कैसे मिलेंगे, इसके लिए हम संख्या पूर्वक नाम करेंगे, रोज उसका स्तुति स्तव करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उनकी सेवा पूजा करेंगे, हैं उत्कंठा, ये बहुत बड़ी चीज भक्ति जगत में। नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम और कीर्तन में हर समय उसका रुचि बनी रहेगी, हर समय रुचि बनी रहेगी, ऐसे कभी नहीं होगा रे नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तदगुणाख्याने, भगवान की कथा सुनने के लिए मन में बड़ी उत्कंठा, भगवान की कथा कब सुनेंगे, ठाकुर जी कब कथा सुनेंगे, ठाकुर को प्यारी प्यारी बात कैसे सुनेंगे, हैं आसक्ति तदगुणाख्याने सत्य तथा निवास स्थल। और भगवान की जो धाम है जैसे वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, जैसे श्रीनवद्वीप धाम, जहाँ पर प्रभु की लीला स्थली है, वो लीला स्थली में उसकी आसक्ति रहती है, उसकी लीला स्थली में आसक्ति रहते हैं कि जो गुण है ना तद भाव की अंकुर है, भावांकुर, भाव आने से पहले ये सब लक्षण हमारे अंदर में इस सब के सब दर्शन करने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने बड़े पंडित क्यों नहीं हो जाए, जितने बड़े तुम तो मनीष क्यों नहीं हो जाए, मनीष क्यों नहीं हो जाओ, जहर चरित्र मूत्र वैष्णव स्वरूप स्वरूप आचार्य शरणा पर नाहा परिचन, कहते हैं जब तक कोई शुद्ध वैष्णव के चरण में हम शरणागत नहीं होते, शरणागत नहीं होते ही कहते वैष्णव दर्शन कथा हृदय गम करते पारे ना, तब तक हम शुद्ध वैष्णव का दर्शन नहीं कर पाते। इसलिए श्री भरत महाराज ने क्या कहते हैं, रघु गणई बोलो क्या याद है, रघु गणई न तपस्या न जाति न इज्जया न निर्पाप न गृहत्वा नैव छंदसा नैव जलाग्नि बिना महत्पदो रजो विषय, बिना महत्पदो रजो विषय। इसलिए यहाँ पर भरत महाराज कह रहे हैं, देखो रघुगण, रघुगणी न तपस्या, तपस्या से भगवत प्राप्त नहीं होता, न जाति, बड़े उच्चे कुल में जन्म ले लिया क्या मिल जाएगी, नहीं है, न इज्जया, इज्जा मतलब पूजा पाठ, दिन भर पूजा पाठ करते क्या हो जाएगा, नहीं, न निर्पाप न गृहत्वा, किसी ने अपना घर बार छोड़ दिया क्या हो जाएगा, नहीं, तो नहीं वह छंदसा, छंदसा मतलब वेद, कहते हम दिन भर वेद पाठ करते क्या हो जाएगा, नहीं, बोले जलग्नि, जल और अग्नि दिन भर जल अग्नि की पूजा करते रहे क्या हो जाएगा, बोले नहीं, बोले होगा क्या फिर कैसे, बोले एक ही उपाय है बिना महत्वपदो रजोभिषेकम, जब तक किसी महान साधु की शरण में नहीं जाते ना, हम उनकी शरणागत नहीं होते, उनके चरण में शरणागत नहीं होते, तब तक भैया जो कुछ करने पर भी नहीं होने वाले। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव दर्शन का तभी होगा जब ऐसे वैष्णव का शरण में हम जाएंगे, उनकी अनुगत्य को स्वीकार करेंगे, तभी वैष्णव दर्शन का कथा हृदयंगम करते पारे। इसलिए गीता में कहते हैं तद विधि पranipatena parīprasena sevaya क्या करनी चाहिए, ऐसे तत्वविता गुरु जी की शरण में जाकर के तद्विधि प्रणिपातना, उसको चरण में प्रणिपात मतलब क्या, केवल प्रणाम नहीं, प्रणिपात, प्रणिपात संपूर्ण रूप में उनके चरण में प्रणिपात, संपूर्ण रूप में गुरु जी के चरण में शरणागत हो जाता है। एक समय एक गुरु जी और एक चेले थे, गुरु जी बोलते थे बेटा ये घर किसका, बोले गुरु जी आपका ही घर है, बोले इसे दुकान वकान गुरुदेव सब आपका ही है, बोले बेटा बेटी बोले गुरुदेव सब आपका ही है, गुरुदेव भी ऐसे थे, बोले बेटा सब कुछ मेरा है, गुरुदेव सब तो आपका है, आपका ही लग रहा सब कुछ मेरा है, तो भैया ये मंगा ट्रक मंगा, सारे सामान को सारे सामान को लोड करा और ले चलो, हैं हमने सारे सामान को लोड कर दिया लेने के लिए, चला दिखा तो गड़बड़ी निकले गड़बड़ी निकले, शिष्य तो यही बोलेगा ना, भैया सब कुछ आपका ही है, गुरुदेव तो शिष्य का कर्तव्य,
गुरु अगर 24 हो गुरु अगर ऐसे हो गुरु इसका मतलब नहीं सब कुछ तुम लेकर चलना शुरू कर दो। बोले भैया मैं तो गड़बड़ी हो गया गुरु से ऐसे निकले सब लोड कर दिया सारे सामान को। इतने में शिष्य कहता है गुरुदेव गुरु जी का तो सब कुछ लेकिन चेला का भी तो कुछ अधिकार मिल गया। बोले चेला का अधिकार गुरु जी के चरण में अधिकार है, गुरु जी के चरण तक चेला का है ना, इसलिए एक तलवार ला करके चेला प्यार काट करके ना है अब दोनों चरणों को काट करके रख दे जाओ, अब दो चरणों को देख दे जाओ चरणों को काट करके ही रख लेते आप सब देख लेना। गुरु जी बोले भैया जरूरत नहीं थोड़ा सामान के रखो सारे सारा शरणागत हो जानी चाहिए, संपूर्ण रूप में शरणागत हो जानी चाहिए। हाँ कई जगह को शरणागत होनी चाहिए। जब रामानुज आचार्य उनका एक गांव में उनके दो चले थे, एक तो बड़ा पैसा वाला और एक बहुत दीनी ब्राह्मण करके एकदम भिक्षा करके जो अपना जीविका निर्वाह करते थे। रामानुज आचार्य उसी गांव में आ रहे थे तब उन्होंने एक शिष्य को भेज दिया जाकर खबर दे दो गुरुजी आ गए। जब उन्होंने शिष्य आए आकर के बोल दिए देखो गुरुजी आपका घर में आ रहे हैं, जो बड़े धनी व्यक्ति थे उनको बोले गुरुजी आपका घर में आ रहे। बात सुनकर इतने आनंद में उत्फुल्ल हो गए। गुरु भाई आए उन्होंने खबर दिया गुरुदेव आ रहे लेकिन गुरु भाई का सेवा ही करना भूल गए। अरे कम से कम थोड़ा पानी पियो, आप इतना दूर से आए फल लेता पानी इतना नहीं। गुरुदेव आ रहे सुनकर के इतने खुश गुरुदेव आएंगे उनकी सेवा के लिए ये तैयारी करना लेकिन जो खबर देने के लिए आए खुद के लिए कुछ नहीं। तो वहाँ से वो चले गए जाकर के फिर दूसरे जो गरीब था ब्राह्मण हाँ पति पत्नी बड़े दरिद्र रहे किसी तरह से भिक्षा मांग करके जीविका निर्वाह करते थे उनके घर में पहुँचे बोले गुरु जी आ रहे आपका घर में गुरु जी आएंगे। सुनकर गुरु ने गुरु भाई को बैठाया अभ्यर्थना किया गुरु भाई ने उनको स्वागत किया सम्मान किया उनको पूजा किया जो कुछ सेवा किए बोले अहोभाग्य गुरु जी आ रहे। जब उन्होंने वापस गए गुरु जी ने पूछा क्या हुआ बोले गुरुदेव जो आपके जो बड़े पैसा वाला शिष्य था ना जब उनको बोला गुरु जी आ रहे हैं वो सुन करके इतने खुश हम तो कुछ पूछा ही वो अंदर में चले गए वापस ही नहीं आए हैं। हमें कोई पूछा नहीं अभ्यर्थना स्वागत नहीं किया लेकिन आपका जो साधारण जो विचार जो शिष्य था वो तो बढ़िया हमें आदर जत्न बढ़ी दिया आसन करके बैठाया पानी पिलाया स्वागत भी पूरा उसने गुरुदेव को पैसा वाला घर नहीं गया। गुरुदेव आए जो दरिद्र जो भिखारी इसके घर में जब आए उसी समय में क्या हुआ उसी समय में उसका पति गया हुआ था भिक्षा में ब्राह्मण था भिक्षा में गए और वो इतने दरिद्र थे उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ देखो तुम जो कथा सुना रहे थे ना ये रामायण की कथा से बताइए वो ब्राह्मणी देखने में बहुत सुंदर थी लेकिन उसके गाँव में एक सेठ था जमींदार वो उसका रूप में बहुत आसक्त था क्योंकि वो बड़े आसक्त थे। अब वो प्रलोभन दिखाया करता था तो देखो तुम जो कुछ बोलोगे हम सो कुछ देने के लिए तैयार लेकिन तुम मेरे साथ रहो। लेकिन वो पतिव्रता स्त्री ब्राह्मणी पतिव्रता नहीं कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया लेकिन वो बहुत आसक्त उसको था। लेकिन उन्होंने जब देखा गुरु जी आ रहे हैं पतिगण गए हैं भिक्षा के लिए घर में कुछ है ही नहीं अभी सोचा अभी मैं गुरु जी का सेवा कैसे करूँ गुरु जी की सेवा कैसे करूँ घर में तो कुछ है ही नहीं। अभी गुरु जी और गुरु भाई लोग आएंगे उन्होंने वो सेठ के पास में गया तो देखो आप मेरे को बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे थे हैं आपका हमें संगत हो आज हमारे गुरु जी आ रहे हैं इसलिए गुरु जी के लिए बड़ा सेठ था जमींदार था हमारे गुरु जी की और गुरु भाई की सेवा के लिए हमें कुछ चीज़ चाहिए दाल चावल कुछ चाहिए लेकिन अब जो कुछ करेंगे हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो इतने प्रसन्न हो गया बोले तुम्हारी जो इच्छा ले जाओ दाल चावल घी तेल
जो कुछ इच्छा तुम सब ले जाओ, ले करके तुम्हारे गुरु जी को सेवा करो। और उसने सब कुछ ला करके इतने सुंदर उन्होंने रसोई बनाया, दाल सब्जी हलवा खीरी पूरी गुरु जी की सेवा के लिए, रामानुज उसके लिए बहुत गुरु भाइयों के लिए बढ़िया सुंदर बनाए। जब बनाए इतने में उसके पति आए, जब पति आए और उन्होंने गुरु जी को सेवा की, गुरु जी को सेवा करके सारे गुरु भाइयों को अच्छे तरह सेवा कर संतुष्ट करके छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, जब पति आए तब उन्होंने बोले, तो बोले अरे मैं गुरु जी आए थे, बोले फिर तुमने गुरु जी का क्या सेवा की? बोले जो सेठ था मेरे प्रति आसक्ति था उसके पास में गया और उसने बोला जो कुछ चाहिए सब ले जाओ, और मैं ला करके बढ़िया बढ़िया मैंने प्रसाद बना करके ठाकुर का अर्पण करके गुरु जी की गुरु भाइयों की हमने सेवा की है, गुरु भाइयों का हमने सेवा की। और मैंने वो सेठ को बोला अब जो चाहोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इतने में रामानुज आचार्य जो तो साधारण नहीं, वो लक्ष्मण है, लक्ष्मण रामानुज आचार्य रामानुज है, उन्होंने उनको जो प्रसाद रखा था खाने के बाद प्रसाद छोड़ कर गए, तब उन्होंने वो जो उसका जो पति ब्राह्मण का जो पति वो प्रसाद को लेकर वो सेठ के पास में, सेठ के पास में जा करके रामानुज आचार्य जी बोला था कि मेरी जो प्रसाद है ना वो सेठ को है, उसका पति उसकी पत्नी को लेकर गए सेठ के पास में और बोले हमारे गुरु जी आपने बड़ी उपकार किया है, हमने बड़ी अच्छी गुरु जी की सेवा की है, ये गुरु जी का प्रसाद है अधर्मृत आप ग्रहण करो। जब उसने प्रसाद ग्रहण किया उसके हृदय में जितनी दुर्वासना थी उसकी प्रति सारी दुर्वासना खत्म हो गई, उसका हृदय निर्मल हो गया, रोने लग गया, उसके चरण में गिर पड़े, बोला आप कितने बड़े शक्तिशाली भक्त हैं लेकिन आपका प्रति हमारी कितनी कुदृष्टि थी है, अपने प्रति कितने कुदृष्टि थी, मेरे अपराध को माफ कर दो, अपना गुरु जी की शरण में मेरे को ले चलो, मैं भी भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने श्री रामानुज जी की शरण में ले आए, फिर उन्होंने दीक्षा मंत्र लेकर भजन किया, दीक्षा मंत्र लेकर, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले तद्विधि प्रणिपातेना, पहले क्या करनी चाहिए, गुरु जी के चरण में संपूर्ण रूप में शरणागत होना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेना बोले परिप्रश्नेना सेवया, परिप्रश्न और गुरु जी की सेवा करो, जब करेंगे फिर क्या होगा, बोले उपदेक्षते ध्यानम ज्ञानिन ततो दर्शनम, तभी गुरुदेव हमें वो दिव्य ज्ञान को प्रदान करेंगे। इसलिए जब तक हम सेवा नहीं करेंगे ना शरणागति नहीं होगी, आधार शरणागति आधार सेवा, इसको द्वारा ही हम वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वस्तु प्राप्ति नहीं हो ही सकता है। इसलिए इसके लिए जैसे कृष्ण स्वयं भगवान है लेकिन उन्होंने गुरु जी की सेवा की है, लकड़ी लेने के लिए जिनकी केवल एक इशारा पर ही विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति पर लय हो जाएगा, ठाकुर को क्या जरूरत होता लकड़ी लेकर के खड़े रहने का पानी है। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते सुदामा ना अहम इच्छा प्रजाति तपस उपसमने वा तुष्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषा था, कहते गुरु जी की सेवा से मैं जितना संतुष्ट होता हूँ जगत में पूजा पाठ व्रत वगैरह इतना संतुष्ट में नहीं होता हूँ। इसलिए भगवान भी गुरु सेवा करते ही दिखाए, और श्री गुरुदेव कहते थे जैसे उपमन्यु उन्होंने गुरु सेवा की, उपमन्यु भी गुरु सेवा उन्होंने की, कैसी गुरु सेवा की है, गुरुदेव गैया चराने के लिए भेजे लेकिन देखा उपमन्यु को चेहरा बढ़िया, बोले बेटा तेरे को तो खाना नहीं देता तू कहाँ से खाते हो, बोले गैया का दूध पी लेता, बोले नहीं ये बछड़ों के लिए तेरे लिए नहीं, दूध नहीं पी सकते हो, फिर दूध पीना छोड़ दिया। तब भी देखा उपमन्यु का हेल्थ ठीक ठाक है, बोले बेटा तेरे हेल्थ कैसे ऐसे ठीक ठाक कैसे, बोले गुरु जी जब बछड़े दूध पीते हैं ना दोनों धार से थोड़ा झाँक निकलता है उसको ले लेता, बोले नहीं बछड़े जानबूझ करके तेरे लिए झाँक बनाते उनका पेट नहीं भरता ऐसे नहीं करना। फिर लास्ट में उन्होंने जब कुछ खाना पीना नहीं आकर का पेड़ को तोड़ करके उसका जो जूस है वो जहर लिया उसको पी लिया तो आँख अंधे हो गया, हो गया तो आँख अंधे अंधा हो गया, कुएं में गिर पड़ा। गुरुदेव शाम को आए बोले उपमन्यु कहाँ हो, बोले गुरु जी मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ, बोले कैसे, बोले गुरु जी ऐसे ऐसे हो गया। अरे गुरुदेव उसको घर में कृपा की, उसको घर में दिव्य ज्ञान को प्रदान किए हैं, दिव्य ज्ञान प्रदान किए, इसलिए उन्होंने कैसे गुरु सेवा के आदर्श दिखाया है हैं। इसलिए इसलिए एक होता है पानी सेवा और एक होता है पशु सेवा,
एक होता है बबू सेवा, बबू मतलब शरीर, और एक होता है वाणी सेवा। दो तरह के सेवा मिलती है। इसलिए जैसे श्री रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी महाप्रभु का कौन सी सेवा की? कहते वाणी सेवा की। सारा दुनिया में भक्ति रसामृत से दो उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ को प्रकाश करे, तो उन्होंने सारा दुनिया में उन्होंने महाप्रभु का वाणी को उन्होंने प्रचार किया। यद्यपि दिखाई पड़ता है महाप्रभु के पास में बहुत कम दिन रहे, लेकिन उनके हृदय की भावना को उन्होंने समझे, समझ करके सारा दुनिया में महाप्रभु का वाणी को सारा दुनिया में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु का कैसे है, महाप्रभु के साथ में कितना दिन रहे, जीव गोस्वामी और कितना दिन रहे, लेकिन उनके हृदय की है भावना को समझते हुए उन्होंने जगत में उन्होंने जो उनकी भक्ति की, उनकी महिमा को उन्होंने जो जगत में प्रचार किया, एक अद्भुत एक अनमोल दिव्य रत्न है। इसलिए कहते श्री माधवेंद्रपुरी का सेवा, श्री ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी सेवा की। माधवेंद्रपुरी जब लेट हुए थे उनका अपना हाथों से टाटी पेशाब को साफ करना उनकी सारी सेवा की। इसलिए माधवेंद्रपुरी जाते समय सारे प्रेम की भावना उन्होंने ईश्वरपुरी का सारे उन्होंने सब देख रहे हैं, सब कुछ उनको देख रहे गए उन्होंने उनकी भाव को सब सब। और महाप्रभु जिनको अपना गुरु रूप में महाप्रभु ने स्वीकार किया है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। तभी सदगुरु उसको सारे ज्ञान को प्रदान करते हैं। इसे जहरा ये तीन प्रकार आचार्य दक्षिणा लैया उपस्थित कि जो लोग गुरु जी के पास में ये तीन चीज दक्षिणा रूप में लो, पहले शरणागति परिप्रश्न और उनकी सेवा, फिर वैष्णव दर्शन अध्यापक गण ताहा दिग के ही दर्शन तथ्य समूह उपदेश दे। तो वैष्णव लोग क्या कहते हैं, जब उनके अंदर में निष्कपट शरणागत को देखते हैं तभी उनके हृदय में सारे तत्व ज्ञान को स्पूर्ण करना है। अगर इसको किए बगैर अगर कोई धूर्तता करे, अरे सब करने का कोई जरूरत नहीं, अपनी आप तो हम बड़े हो जाए, नहीं अपनी आप कोई बड़े नहीं हो सकता जब तक तो गुरु वैष्णव की कृपा नहीं हो। इसलिए वैष्णव दर्शन अध्यापक गण आचार्य गण कौन प्रकार जागृति की दक्षिणा प्रलोभन प्रलुब्ध होना, लेकिन जो शुद्ध वैष्णव लोग है कोई जागृति की वस्तु दे करके हम गुरु जी को खुश कर देंगे नहीं, कहते उनको तब भी खुश कर सकते हो जब निष्कपट हृदय से उनकी जब हम सेवा करेंगे, निष्कपट हृदय से जब भगवान की भक्ति करेंगे तभी हृदय में ये सारे तत्व ज्ञान की स्फूर्ति होता है, तभी वो हमारे ऊपर में पूर्ण रूप में प्रसन्न होते हैं। इसलिए उनको निष्कपट होकर के शुद्ध भक्ति हमें करनी चाहिए, गुरु वैष्णव की हमें सेवा करनी चाहिए। ठीक है, पिताई गौर प्रभा हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे।